तो कल जो था ना, हमने जो किया था, इंसर्ट किया था और हमने क्या किया था, सिलेक्शन किया था हमने, ठीक हो गया। इस फॉर्म से डाटा एंटर करते थे हम और यहाँ पर टेबल में आकर वो शो होता था। अब हम लोगों ने क्या करना है, अपडेट और डिलीट, ठीक है ना। अपडेट डिलीट के लिए क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आऊँगा, एक बार सबसे पहले ना इसको ऐसा कर लेता हूँ। अच्छा जी, ये हमारा फॉर्म है ना ये वाला, और टेबल कहाँ बना हुआ है, इधर बना हुआ है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्शन, क्या लिखा मैंने यहाँ पर, एक्शन लिखा मैंने, ठीक हो गया। और यहाँ पर एक टी डी बनाऊँगा, आप दो टी डी भी बना सकते हो, उसका इशू नहीं है। और इसके अंदर मैं एक बनाऊँगा एंकर टैग, क्या बनाऊँगा यहाँ पर मैं, एंकर टैग से करता हूँ बी एस फाइव। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास एच आर, या फिर लिंक लिख दो इसके अंदर हमें कार्ड लिंक्स, अलर्ट लिंक्स, बैज लिंक्स, ये मांग लेते हैं जरा। ये कार्ड्स वाले आ गए ना, हमें कार्ड्स शो करने नहीं, वैसे मैंने ये तो चीज़ें भी नहीं चाहिए बस, ठीक है ना। मैं यहाँ पर आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। अच्छा जी, हमारे पास काफ़ी एक्स्ट्रा जगह पे वो आ चुका है जिसकी वजह से काम ख़राब हो गया है। अच्छा जी, टी डी, और अगर मैं यहाँ पे एक लिख लूँ, ये चीज़ ओपन नहीं हुई क्या, हाँ ठीक है ना, गलत हो गया ना, गलत क्या है भाई, गलती देख रहे हो। टी डी कहाँ बनाई मैंने, टी आर से बाहर, यहाँ बनानी थी हमने इसको, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब जो है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कार्ड बॉडी के अंदर क्या चीज़, टेक्स्ट बीजी डार्क, ठीक है। अब बॉर्डर कलर हमने ख़त्म करना, बॉर्डर नन कर देंगे, कार्ड का जो बॉर्डर है ना हमारे पास, बॉर्डर नन। अच्छा जी, अगर स्ट्रा ख़त्म नहीं होगा तो यहाँ पे लिख देंगे स्टाइल बॉर्डर, सेव कर देंगे, यहाँ पर हम इम्पोर्टेंट कर देंगे ताकि वो ओवरराइड हो जाए, क्लियर हो गया। अब जो इसके लिंक्स वगैरह होंगे, आप लिंक्स को भी एडिट कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर लिख दिया टेक्स्ट वाइट, ठीक है। और जैसे कि यहाँ पर हमारे एक प्रॉपर्टी होती है फॉन्ट वेट की, प्रॉपर्टी यहाँ पे देखें हम, बोल्डर टेक्स्ट फॉन्ट बूटस्ट्रैप 5। यहाँ पर आते हैं हम, क्लास का नेम क्या है हमारे पास, ये नहीं है, ये भी नहीं है, टेक्स्ट रैप है, एफ एस, ठीक हो गया, एफ डब्ल्यू, ठीक हो गया। यहाँ पर आते हैं, इधर आके इसको रिफ्रेश करते हैं, ठीक हो गया, क्लियर हो गया। इसे हम यहाँ पर कर देते हैं लाइक टेक्स्ट इन्फो कर देते हैं, जो कि ब्लू कलर ही होता है, और टेक्स्ट डेकोरेशन
स्टाइल क्वेश्चन मार्क टेक्स डेकोरेशन क्या हो जाएगी हमारे पास नन हो जाएगी क्योंकि सिंह जी अंडरलाइन नहीं हुई ना हमारे पास एंकर टैग के अंदर उसे ख़त्म करने के लिए ठीक हो गया। और मैं यहाँ पर जो हूँ लिखूँगा टेक्स्ट डेंजर क्लियर है। अब जो है ना करना क्या है मैंने इसके ऊपर क्लिक करूँगा मैं तो कहाँ पे पहुँचेगा वो अपडेट पे ले पे इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो कहाँ पहुँचेगा वो गेट के लिए। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैंने लिख दिया क्या चीज़ कार्डिंग लिखा हुआ ना यहाँ पर यहाँ लिख देते हैं अपडेट यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास डिलीट ठीक हो गया। आइकॉन्स भी लगाने हैं अगर आप लोगों ने आइकॉन्स लगाने हो तो फिर क्या इस्तेमाल करोगे आप लोग फॉन्ट ऑसम पहले सी डी एन चाहिए होगा हमें इसका सी डी एन निकालते हैं हम ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है ऑल मेन डॉट सी एस एस कॉपी लिंक टैग कहाँ पर आप लोग आओगे यहाँ पर इंक्लूड्स हेडर में आओगे ठीक है ना और यहाँ पर सबसे टॉप पे लगा दोगे इसके ऊपर ठीक हो गया। अब फॉन्ट ऑटम हमारे पास इम्प्लीमेंट हो चुकी है अब हर जगह इस्तेमाल कर सकते हो फॉन्ट ऑटम जहाँ जहाँ पे हेडर इंक्लूड होगा क्लियर हो गया। अच्छा जी अब मैं यहाँ पर अपडेट के लिए इस्तेमाल करता हूँ लाइक मैं यहाँ पे लिखता हूँ एफ ए एस पेंसिल ठीक हो गया। और इसके लिए हमारे पास आएगा एफ ए ट्रैश क्लियर हो गया ठीक है। अगर आप लोगों ने इसमें थोड़ा बहुत एडिटिंग वगैरह करनी हो आप लोग खुद कर लेना। अब जो है मैंने क्या करना है अपडेट के ऊपर क्लिक करना है अपडेट पहुंचेगा। अगर मुझे बताओ ज़रा अपडेट क्वेरी कैसे बनती है जब डेट की क्वेरी होती है जब डेट की क्वेरी होती है किस तरह बनती है अपडेट 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 आप लोग सामने कंप्यूटर भी है इंटरनेट भी है सर्च करो हाँ कॉलम सेम आते हैं बिल्कुल। अब ये पता अगर मैं स्पेसिफिक रिकॉर्ड सर्च करना हो क्या करना हो स्पेसिफिक रिकॉर्ड सर्च करना हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा अपडेट के लिए मैंने क्या करना है सर्च कर रहा हूँ मैं बार बार मैंने अपडेट के लिए ना अपडेट करना मैंने एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड वो कंडीशन क्या होगी आई डी चाहिए ना हमें हमें अपडेट के लिए क्या चाहिए आई डी चाहिए। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर ये इसका लिंक है थोड़ा बहुत मैं डिस्टेंस लगाया तो मैं ताकि आप लोगों को नजर भी आ जाए प्रॉपर तरीके से ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या लगा हुआ ये एच आर ई एफ में जो है ना इसका एक राउट बनाता हूँ यहाँ पर ही डिफाइन करके वेरिएबल्स की हमने फाइल बनाई हुई ना एक इंक्लूड्स में आएंगे हम कौन सी फाइल में आ जाएंगे हम वेरिएबल डॉट पी एच पी के अंदर। अब यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं एस टी डी एडिट फॉर्म ठीक हो गया। राउट हमारे पास यही रहेगा राउट हमारे पास यही रहेगा इसे यहाँ से कॉपी करूँगा मैं यहाँ पर आ जाऊँगा और फिर पी एच पी टैग ओपन करूँगा यहाँ पर मैं जैसे आपको आसान लगे वैसे करो जरूरी नहीं जैसे मैं मेथड कर रहा हूँ वही करो बस आपको तरीका दिखा रहा हूँ कि ऐसा भी होता है ठीक हो गया। अच्छा जी अब इसके साथ ही साथ जो ना मैं भेजूंगा एक आईडी क्या भेजूंगा यहाँ पर मैं आईडी भेजूंगा। अगर यहाँ पे देखो हम कहाँ मौजूद हैं इधर मौजूद है वाइल लूप के अंदर मौजूद है ना यहाँ पर आईडी आ रही है वेली इसको यहाँ से कॉपी करूँगा और कहाँ पे पेज कर दूंगा मैं इस आईडी के आगे। अगर आप लोगों को याद हो मैंने आप लोगों को बताया था कि हम आगे आकर खुद से एक यूआरआई बनाएंगे ठीक है ना जैसे हमने फॉर्म टैग बनते होते ईमेल नेम वगैरह प्रिंट होते यूआरएल के अंदर वैसे ही हमने खुद बनाएंगे
यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाया, आगे मैंने क्या लिखा, आईडी। अब आईडी में क्या सेव कर दी, जो से डेटाबेस से आ रही होगी, ठीक है ना। सेव करता हूँ मैं, यहाँ पर आता हूँ, एक बता रिफ्रेश करते हैं, चेक करें। मैंने उसके ऊपर क्लिक किया, यहाँ पर आगे हम यूआरएल में क्या लिखा आ रहा है, यूआरएल में देखो क्या लिखा आ रहा है, फॉर्म एक्शन डॉट पी एच पी आई डी इज इक्वल टू 1 लिखा आएगा। अगर मैं यहाँ पर दोबारा आता हूँ, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ मैं, अब यहाँ पर आई डी क्या लिखी आ रही है, 6 लिखी आ रही है। आई डी आ गई हमारे पास कि कौन से रिकॉर्ड को आप एडिट करना चाह रहे हो, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर हो गया, कोई इशू यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम? अच्छा जी, अब हमने तो क्या करना है, मैं यहाँ पर आता हूँ किस मेले में, एक्शन में आ गए, ऐसा करता हूँ सबसे पहले ना मैं सर्वर साइड में आ गया, सर ये वाले फोल्डर को ड्रैग करता हूँ ताकि जो मजीद फोल्डर कंफ्यूज करें ना वो ख़त्म हो जाए, ठीक है ना। और यहाँ पर आता हूँ, इन सब क्लोज कर देता हूँ मैं। अभी ये फाइल है जो हमारी मेन फाइल है जब से हम काम कर रहे थे, ये वाली, ठीक हो गया। उसके बाद हमने कहाँ पर काम किया, वेरिएबल में काम किया, और कहाँ पर काम किया, हेडर में काम किया, ठीक है। अब मैंने कहाँ पर आना है, फॉर्म एक्शन डॉट पी एच पी के अंदर, हम यहाँ पर ही आ रहे हैं ना। अच्छा जी, अब होगा क्या, हमें यहाँ पर नहीं आना, अभी मैं बाहर क्या बनाना है, मैंने एक अभी एक अपडेट का बनाना है, क्या लगाना है, हमने एक अपडेट का बनाना है। मैं यहाँ पे एक फाइल बनाता हूँ, फॉर्म अपडेट डॉट पी एच पी के नाम से, फॉर्म अपडेट डॉट पी एच पी के नाम से। अब मैंने क्या चेंज करा, राउट चेंज करना है, क्या चेंज करना है, मैंने राउट हेडर में आया, नहीं वेरिएबल में आऊँगा, सॉरी वेरिएबल्स में रखना राउट्स। हमने कहाँ पर आना फिर, फॉर्म अपडेट डॉट पी एच पी, यहाँ पर आना ना हमने। सेव करता हूँ मैं, यहाँ पर आता हूँ, बैक स्पेस करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पर आके इसके ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पर हम आ गए, ठीक है ना। अच्छा जी, चेक करें राउट, यहाँ पर इसका राउट आ गया जो भी हमने क्लिक किया। अब मैं कहाँ पर आऊँगा, फॉर्म अपडेट डॉट पी एच पी के अंदर, मैं यहाँ से सारा कोड कॉपी करूँगा, यहाँ पर आ जाऊँगा। अब ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे फॉर्म चाहिए था ना, मुझे इसमें फॉर्म बना हुआ है हमारे पास, बस इसमें से क्या रिमूव कर दूंगा मैं, टेबल, क्या रिमूव कर दूंगा मैं यहाँ से, टेबल। सेव करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, टेबल गायब हो गया, सब चीज़ें वैसे आ गई हमारे पास, ठीक है ना। अब क्या करना है, हमने हमने जो है ये करना है कि जिस रिकॉर्ड के ऊपर मैं क्लिक करूँगा, जिस रिकॉर्ड के ऊपर मैंने क्लिक किया, जिसको अपडेट करना है, उसका सारा डाटा उठा उठ के फॉर्म में ऑटोमेटिकली फैच हो जाए, फॉर्म में ऑटोमेटिकली क्या हो जाए, फैच हो जाए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्या करेंगे, आईडी आ रही है हमारे पास, अगर मैं ऐसे आईडी को फैच करके गेट करके क्यूरी लगा दूं, कौन से वाले, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर वेयर आईडी इज इक्वल टू दिस वन, हो जाएगा ना क्या, नहीं। अब यहां पे करूंगा मैं, सबसे पहले लिखूंगा इफ, क्या लिखा मैंने यहां पर, इफ इज सेट डॉलर अंडर स्कोर गेट, ठीक है ना। यहाँ पे देखो यू आर एल में लिखा है ना चीज, इसे गेट करेंगे ना, इसे पोस्ट कब करते हैं, जब यू आर एल में डाटा वो शो ना करता, क्लियर हो गया। और मेथड कौन सा होता है, पोस्ट होता है। अभी जो बाय डिफॉल्ट मेथड है वो कौन सा है, गेट है, तो यहाँ पे गेट लिखा, हमारी की का नेम क्या था, आई डी था। मैं कहता हूँ भी अगर हमारे पास इस सेट है और वो हमारे पास नॉट एम्प्टी है, ठीक हो गया, इसे कॉपी करता हूँ मैं और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ मैं, ठीक हो गया। तो फिर क्या करें, इस गेट को उठाए, आईडी को उठाए और कहाँ पे आकर सेव कर दे, वेरिएबल का सेव कर दे, क्लियर हो गया। मैंने यहाँ पे वेरिएबल नेम का लिखा गेट आईडी,
क्लियर है कि नहीं? यहाँ से कोई इशू चेक करें हम? यहाँ से इसको मैं एको करता हूँ, रिफ्रेश करते हैं। ये देखो आईडी आ गया यहाँ पर वन, ये रही। ठीक है ना, अगर मैं यहाँ पर इसके आईडी चेंज करूँ, लाइक मैं कर देता हूँ 100, वो देख रहे हो 100 आ गया यहाँ पर लिखा हुआ, यानी कि यूआरएल के अंदर आईडी आएगी वो यहाँ पर अपने फेच कर ली है। जो यूआरएल के अंदर आईडी आएगी हमारे पास उसको हमने फेच कर लिया है। अच्छा जी, अब दोबारा यहाँ पर आते हैं हम। अब हमने यहाँ पर क्या लिखना है? क्यूरी लिखनी है। कौन सी क्यूरी? सेलेक्ट की क्यूरी लिखनी है हमने, डॉलर सेलेक्ट अंडरस्कोर क्यू। क्या लिखेंगे यहाँ पर हम? सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर्स वेयर आईडी इक्वल टू सिंगल क्वेश्चन मार्क और फिर कर्ली ब्रैकेट। इसमें क्या आएगा हमारे पास? हमारे पास वेरिएबल है। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है? इसको एग्जीक्यूट करना है। क्या करना है हमने? इसको एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूट के लिए क्या करेंगे हम? मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाऊंगा, कौन सा वाला? एग्जी के नाम से। इसमें क्या होगा? डॉलर लिंक, उसके बाद फिर क्यूरी, उसके अंदर हम ये वाला वेरिएबल भेज देंगे। क्लियर हो गया? अच्छा जी, अब जो है हमने क्या करना है? चेक करना है इफ। ठीक है ना, अगर हमारे पास ये क्यूरी क्या हो जाती है? एग्जीक्यूट हो जाती है, देन ठीक है, हमने इसमें डाटा निकालना है। हमने इसमें से डाटा निकालना है। डाटा कैसे निकलेगा हमारे पास? डॉलर रो के नाम से बनाया और फिर ये लिख देंगे। ठीक है ना, सेलेक्ट एग्जी जहाँ पे क्यूरी है और फिर हमने क्या लिखा है? फैच एसोक, यानी कि एसोसिएटिव एरे बन गई। जो वहाँ पर एक एरे आएगी वो कहाँ पे आके सेव हो गई? डॉलर रो के अंदर आके सेव हो गई। अब इस वेरिएबल का से कॉपी करूँगा मैं, यहाँ पर आया इनपुट टैग के पास। एट्रीब्यूट कौन सा आएगा? वैल्यू PHP, और यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं? एको डॉलर रो। हमारी की का नेम क्या होगा? जो लोकल होस्ट PHP माई एडमिन। ये डेटाबेस है ना हमारी, यूजर्स में आगे हम स्ट्रक्चर में आना आप लोगों ने। हमारे ईमेल के फील्ड का नेम क्या है? ईमेल, इसे कॉपी करूँगा मैं, यहाँ पर आके इसको मैं पेस्ट कर दूँगा मैं। ठीक हो गया। उसके बाद इसी चीज़ को दोबारा कॉपी करूँगा यहाँ से लेके यहाँ तक। कॉपी किया, यूज़र नेम में आए, पेस्ट कर दिया। हमारी की का नेम क्या है? यूज़र नेम, कॉपी करके यहाँ पर आकर पेस्ट कर दूँगा। दोबारा इस चीज़ को यहाँ से कॉपी करूँगा मैं, और कहाँ पर आऊँगा मैं? अब पासवर्ड वाले में, इनपुट टैग पासवर्ड में आ गए, वैल्यू एट्रीब्यूट लिखा है यहाँ पर, और यहाँ से की का नेम कॉपी किया और फिर यहाँ पर पेस्ट कर दिया। दोबारा से जो मैंने क्या किया यहाँ पर, आईडी को मैंने यूआरएल से फैच किया, फैच करने के बाद क्यूरी में इंसर्ट किया, क्यूरी को एग्जीक्यूट किया और चेक किया, अगर क्यूरी एग्जीक्यूट हो गई है उसको किस में कन्वर्ट कर दिया मैंने? फैच एसोक में। ठीक हो गया। अब इसमें से मैंने डाटा निकाला, डाटा कैसे निकाला? रो ईमेल, उसे कहाँ पर आके प्रिंट कर दिया मैंने? इनपुट टैग में आके प्रिंट कर दिया, वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर आके। ठीक हो गया। इधर भी हमने ऐसे किया और इधर भी हमने ऐसे भी, इधर भी ऐसे किया हमने। सेव करता हूँ मैं, यहाँ पर आते हैं, इधर आके मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। एरर कह रहा अभी, ट्राइंग टू असेस ऑफसेट ऑन वैल्यू ऑफ टाइप नल। जारी बात है, आईडी नेम क्या लिखा है यहाँ पर? 100, आईडी वन लिखते हैं यहाँ पर, 100 नहीं, डाटा आ गया यहाँ पर। ठीक है, अब दोबारा होम पर आते हैं हम, यानी कि आप गया किधर? फॉर्म डॉट पी एच पी थे ना, क्या नाम थे हमारे पास? क्लास 39 डॉट पी एच पी में आ गया। ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, इस वाले में जाता हूँ, इस वाले में क्लिक करता हूँ मैं, डाटा आ गया इसका,
ठीक हो गया, डाटा आ गया। अब लेकिन अब इसके अंदर बग्स हैं। क्या है बग्स? बग्स इस टाइप के, आप सपोज करो कोई गलती से अभी यूजर यहाँ पर आ गया विदाउट आईडी, क्लिक किया एरर यहाँ पे शो हो गया, अनडिफाइंड वेरिएबल रो, अनडिफाइंड वेरिएबल रो। अब जारी बात है, पर गेट के अंदर क्या है, आईडी नहीं है, गेट के हमारे पास आईडी नहीं है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर आप लोगों को दिखाया भी, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर इज सेट और नॉट एम्प्टी। अगर हमारे पास आईडी है तो फिर फेच करें, अदरवाइज हमारे पास क्या करें, एल्स में, एल्स में लोकेशन हेडर, ठीक है ना। इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास, कैपिटल में नहीं आना, लोकेशन। अब लोकेशन कौन से में आना है, होम डायरेक्टरी पे ना। अब मिसाल के तौर पर होम डायरेक्टरी का वेरिएबल भी चेंज कर सकता हूँ मैं, तो कहाँ पर आऊँगा मैं, वेरिएबल डॉट पी एच पी में। यहाँ पे एक वेरिएबल कौन सा बनाऊंगा मैं, रूट पाथ, यहाँ पे होम लिखते हैं, ऐसा करते हैं। क्या लिखा मैंने यहाँ पर, होम लिखा, हमारी होम फाइल का नेम क्या था, क्लास 39 थी ना, क्लास 39 डॉट पी एच पी, यहाँ पे आके पेस्ट कर दूंगा, बस ठीक हो गया। अब मैंने कहाँ पर आना है, इधर आ गया मैं, कॉन्कैट करके जो कॉन्स्टेंट नेम था यहाँ पर लिख दूंगा मैं, क्लियर है। सेव करते हैं, यहाँ पर आते हैं, रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पर आ गया। अभी यहाँ पर आईडी आ रही है, आईडी मैंने ख़त्म कर दिया, उसे एंटर करूँ। अब दोबारा कहाँ पर आ गया, वो इधर आ गया, दोबारा देखो ज़रा, अपडेट के ऊपर क्लिक किया मैंने, आईडी को रिमूव किया मैंने यहाँ से, एंटर कर दो, कहाँ पर आ गया, वो यहाँ पर आ गया होम पेज के अंदर, क्लियर हो गया चीज़ का। अब वो विदाउट आईडी वहाँ पर जा ही नहीं सकता, जो मर्जी कर ले, विदाउट आईडी वहाँ पर वो जा ही नहीं सकता, एक बग फिक्स हो गया। अब सपोज करो आईडी मौजूद है, आईडी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, 100 लिखा है मैंने यहाँ पर, क्या लिखा है मैंने यहाँ पर, 100 लिख दिया। अब ये तो मौजूद ही नहीं है, इस नाम का जो रिकॉर्ड है 100 को मौजूद ही नहीं है, अब क्या करेंगे। मैं यहाँ पर आता हूँ, इधर आ गया, और जब मैं एग्जीक्यूट करूँगा ना, मैं क्या करूँगा यहाँ पर, मैं एग्जीक्यूट करूँगा, और यहाँ पर मैं लगाऊँगा इफ स्टेटमेंट। क्या लगाऊँगा यहाँ पर मैं, इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट में क्या लिखूँगा, डॉलर सेलेक्ट एग्जी, आगे फिर हमारे पास क्या आएगा, नम रोज, क्या आएगा, नम रोज, अगर ग्रेटर देन जीरो होगा, अगर क्या होगा हमारे पास, ग्रेटर देन जीरो होगा, तो फिर ही हमारे पास ये चीज़ आएगी, अदरवाइज वो कहाँ पर आ जाएगा, होम पेज पर आ जाएगा। कहाँ पर आ जाएगा, वो होम पेज पर आ जाएगा। थोड़ी बहुत लॉजिक आप उसको समझोगे, थोड़ी बहुत आई होगी कि नहीं आई होगी। अब देखो ज़रा, नम रोज का मतलब क्या है, नंबर ऑफ रोज। अगर मैं क्यूरी को आप एको करता हूँ, क्यूरी मैंने यहाँ पर आकर एको की, यहाँ पर आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, क्यूरी हमारे पास आई नहीं, अभी आई, क्योंकि यहाँ पर मैंने वो लिखा हुआ है, ये चीज़ वो हेड यहाँ पर ना है। यहाँ पे क्यूरी क्या बन रही है, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर वेर आई डी इज इक्वल टू 1। कॉपी करके यहाँ पर आता हूँ, एसक्यूएल के अंदर आया, यहाँ पर के पेस्ट करता हूँ, क्यूरी को एग्जीक्यूट करता हूँ मैं। यहाँ पर देख रहे हो नंबर ऑफ रोज क्या हमारे पास, टोटल 1 है। अगर वो ग्रेटर देन क्या होगी, 0 होगी, इसका मतलब रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब क्या है, वो रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता है। अगर ऐसा है तो फिर ये वाला पेश हो, अगर हमारे पास यहाँ पर देख रहे हो, मैंने यहाँ पर आईडी के लिखे 100, यहाँ पर आईडी लिखे आ गया 100, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है अगर नम रोज क्या हो, इक्वल टू 0 हो जाए, इक्वल टू 0 हो जाए, यानी ग्रेटर देन 0 ना हो, तो उस टाइम में कहाँ पर आ जाए, वो होम पर आ जाए। अगर मैं इस क्यूरी को यहाँ से कॉपी करता हूँ, कॉपी करके यहाँ पर आता हूँ, एसक्यूएल में आया, यहाँ पर आके पेस्ट कर दिया, एरर नहीं आएगा। रोज कितनी आ रही है, 0 आ रही है ना। अब मैंने इसी चीज़ को जहन में रखते हुए कंडीशन का बनाई है, अगर वहाँ पर क्यूरी एग्जीक्यूट होती है,
क्यूरी तो एग्जीक्यूट हो गए ना, क्यूरी एग्जीक्यूट ही है, ठीक है ना। ये बेसिकली होता है लॉजिकल एरर। हमारे पास तीन टाइप्स का एरर होते हैं, सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर और रन टाइम एरर। ये हमारे पास जो है ना लॉजिकल एरर होता है। अब यहाँ पर देखो 100 कोड है नहीं, लेकिन कोड एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है ना, कोड एग्जीक्यूट कर रहा है, लेकिन वो कोड हमारे पास है ही नहीं। इसे कहते हैं लॉजिकल एरर, कि कहीं ना कहीं पर गलती हो रही है। तो उस टाइम पे हमने यहाँ पर कंडीशन का लगा दी कि अगर कोई भी रिकॉर्ड यहाँ पर ना हो, यहाँ पर देख रहे कोई रिकॉर्ड फच हो रहा है यहाँ पर, नहीं है ना। रिकॉर्ड की वैल्यू यहाँ पर क्या है, जीरो है। रोज की वैल्यू यहाँ पर क्या है, जीरो है। अगर हमारे पास नंबर ऑफ रोज किसके बराबर होंगी, जीरो के बराबर होंगी, तो वो कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। हाँ जीरो होगी, ठीक है ना। सेव करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, एक मतलब मैं रिफ्रेश करता हूँ, उसके बाद ऐसा कर देते हैं, कहाँ पर आ गया वापस, वो इधर आ गया। दोनों सॉल्व हो गया बग्स। बग नंबर वन क्या था, विदाउट आईडी वहाँ पर जा नहीं सकता। सेकंड क्या था हमारे पास, अगर वो रिकॉर्ड मौजूद नहीं करता तो फिर वहाँ पर जा नहीं सकता। क्लियर हो गया चीज़ का, समझ में आ गया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर अपडेट के ऊपर क्लिक किया। अब जो डाटा यहाँ पर मैं चेंज करूँगा उसमें मैंने क्या करना है, सबमिट करना है और डाटाबेस में आकर उसको अपडेट कर देना, यानी कि अब सेव कर देना, ठीक हो गया। अपडेट के लिए हमें क्या चाहिए होता है, जॉन जो थी कीज हमें अपडेट करनी है, और सेकंड चीज़ उसकी आईडी जिसमें हमने उसको अपडेट करना है, ठीक हो गया। डाटा यहाँ पर लिखा हुआ है कि कौन सा अपडेट करना है, लेकिन ये नहीं पता कहाँ पर आके अपडेट करना है, ठीक हो गया। उसके लिए यहाँ पर आऊँगा मैं, इधर आ गया, हाँ जी फैच किया हमने। अब यहाँ पर मैं इधर ही एक इनपुट टैग बनाऊँगा, क्या बनाऊँगा यहाँ पर मैं, इनपुट टैग बनाऊँगा जिसका नेम एट्रीब्यूट क्या होगा, यूज़र आईडी होगा, क्या होगा, यूज़र आईडी होगा, क्लियर है। और इसकी वैल्यू में क्या लिखूँगा मैं, क्या लिखूँगा, आईडी नहीं लिखूंगा मैं, आईडी कहाँ से आ रही है, आईडी कहाँ से आ रही है, इसके अंदर यूआरएल से नहीं आ रही, आ रही है ना क्या, नहीं। यहाँ पे आ गया, सेव करते, यहाँ पे आईडी लिखी आ गई इसकी, ठीक हो गया। अगर वापस आता हूँ, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे आईडी क्या लिखी आ रही है, 5, आईडी भी आ गई। उसके साथ ही साथ हमारे पास क्या आ गया, जो सा डाटा हमने एडिट करना है, दोनों चीज़ें आ गई हमारे पास, क्या नहीं, समझ में आ गया यहाँ तक, कोई इशू यहाँ तक, किसी को सवाल, क्योंकि आ गया मैं थोड़ा बहुत एडवांस में आना मैंने इसके बाद। यहाँ से की थी ना हमने, हम यहाँ पर आते हैं, हम इधर आए, यहाँ पर देख रहे हो, ये चीज़ शुरू से समझो, हम लोगों ने यहाँ पर वेरिएबल कौन सा एको किया, एस डी एडिट फॉर्म, जो कहाँ पर मौजूद है, वेरिएबल्स डॉट पी एच पी के अंदर मौजूद है। उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, फॉर्म अपडेट डॉट पी एच पी। यहाँ पर आते हैं हम, यहाँ पर देखो मैंने इस पेज में जाने के साथ साथ क्या भेजा, मैंने उसके साथ आईडी भेजी, यानी कि मैंने उसे क्या, अब इस पेज में जाओ, लेकिन इस पेज में जाने के साथ क्या लेके जाओ, आईडी भी साथ लेके जाओ, ठीक हो गया। जब वो आईडी लेके जाएगा इस पेज के अंदर, इस पेज में आ गए हम, ठीक है। मैंने चेक किया, क्या चेक किया, कि अगर हमारे पास जो आईडी है क्या है, सेट है और वो एम्प्टी नहीं है, देन उसको फैच करो, कहाँ पे आकर सेव कर दो, वेरिएबल में आकर सेव कर दो, ठीक हो गया। उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या किया, उसे यूज़र आईडी को एसक्यूएल के अंदर से क्यूरी के अंदर लिख दिया। ऐसा क्यों किया, ताकि मैं स्पेसिफिक पर्सन का डाटा निकाल सकूँ मैं, ठीक हो गया, ताकि मैं स्पेसिफिक पर्सन का डाटा निकाल सकूँ। इस क्यूरी को यहाँ पर आकर एग्जीक्यूट किया और चेक किया, अगर ये एग्जीक्यूट होती है, अगर ये एग्जीक्यूट होती है, देन दोबारा चेक करें,
यहाँ पे क्या चेक करेंगे, क्या रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता है या नहीं। अगर एग्जिस्ट करता होगा तो नंबर ऑफ रोज क्या होंगी, वन होंगी। नंबर ऑफ रोज क्या होंगे हमारे पास, वन होंगी। अगर नहीं एग्जिस्ट करता होगा तो फिर नंबर ऑफ रोज जीरो होंगी। अगर ट्रू होगा तो कहाँ पर आ जाएगा वो, उसको फेच कर लेगा। अदरवाइज कहाँ पर आ जाएगा वो, एल्स में आ जाएगा, यानी कि होम पर आ जाएगा। और होम जो वेरिएबल है उसमें क्या सेव है, हमारे पास क्लास thunder.php जो कि हमारे फाइल करने में। क्लियर हो गया। सेव एट इज अगर हमारे पास आईडी सेट ना होगी, अगर हमारे पास आईडी सेट नहीं है तब भी दोबारा कहाँ पर आ जाएगा वो, होम पर आ जाएगा। क्लियर है। दो सूरत हाल में वापस आ रहा है वो होम पे। नंबर वन, अगर आईडी सेट है या फिर आईडी सेट नहीं है तब आ जाएगा, जब हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद नहीं होगा तब आ जाएगा। क्लियर है। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या लिखा, यूजर आईडी लिखी जो उसने फैच की है, यूजर आईडी। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, ईमेल, यूजर नेम और पासवर्ड। बस अभी तक हमने यहाँ तक यही काम किया। क्लियर है यहाँ तक, कोई इशू की प्रॉब्लम? अच्छा जी, अब यहाँ पर सवाल आता है, हमने आईडी को लिखी है, आईडी हमने इसी वजह से लिखी है ताकि हम उसको क्यूरी के अंदर इस्तेमाल कर सकें। गुजारी बात है, अपडेट की जो क्यूरी होती है उसमें क्या चीज़ यही होती है, हमें जो सा डाटा हमने एडिट करना है और जहाँ पे आके एडिट करना है, और जहाँ पे आके एडिट करेंगे वो क्या होगा, आईडी होगा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब जो है हम इसी राउट के अंदर रहेंगे। राउट का नेम क्या हमारे पास, एसटीडी एडिट फॉर्म। यहां पर आऊंगा, इसको यहां पर आके पेस्ट कर दूंगा। क्लियर है। अच्छा जी, मेथड क्या होगा इसका, पोस्ट होगा, और कहां पर आ जाएगा फॉर्म एक्शन, पीएचपी के अंदर आएगा फिर। लेकिन उससे पहले जो है ना, मैं यहां पर देख रहे हो नेम, नेम क्या लिखा है यहां पर, इंसर्ट। इसे क्या कर दूंगा मैं यहां पर, अपडेट कर दूंगा मैं। अब यहां पर आऊंगा, अब इतना हिस्सा ऐसे कॉपी करूंगा मैं, यहां से लेकर यहां से लेके यहां तक कॉपी करते हैं, पूरे कॉपी कर लें, पूरे कर लेते हैं कॉपी। कॉपी करूंगा यहां से लेके यहां तक, कमेंट लगाऊंगा मैं अपडेट फॉर्म, अपडेट फॉर्म, ताकि हमें मालूम हो जाए यहां से कोड कौन सा स्टार्ट हो रहा है, अपडेट फॉर्म का। यहां पेस्ट किया, हमारे पास जो है नेम एट्रीब्यूट के यहां पर अपडेट, इधर आता हूं मैं, इधर आके इसको पेस्ट किया, इधर आके मैंने इसको पेस्ट किए। क्लियर है। डाटा हमारे पास यही आ रहा है, ईमेल, पासवर्ड, यूजर, यूजर नेम, यही है ना, ईमेल, यूजर नेम और पासवर्ड। अब नया डाटा इसमें से क्या है, आईडी। नया चीज हमारे पास इसके अंदर क्या है, आईडी। आईडी का जो है हमारे पास नेम एट्रीब्यूट क्या है, यूजर आईडी। कॉपी करता हूँ, यहां पर आता हूँ, इधर आके मैंने क्या कर दिया, इसको पेस्ट कर दिया। वेरिएबल नेम भी मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया। क्लियर है। यहाँ से कोई इशू, हमारे पास डाटा यहाँ तक आ गया। अब क्या रह गया हमारे पास, क्यूरी को अपडेट करना। क्यूरी क्या बनेगी हमारे पास, अपडेट टेबल नेम आएगा। टेबल नेम हमारे पास क्या है, यूजर्स, टेबल्स, यूजर। अब यहाँ पे देखो, मैं एक और यहाँ पे बहुत मजे की चीज़ करता हूँ, मैं वेरिएबल्स में आऊँगा, ठीक है। यहाँ पे कमांड लगा देता हूँ भाई, ऑल डी बी टेबल, ऑल डी बी टेबल, ठीक हो गया। यहाँ पर लिखा मैं डिफाइन, क्या लिखा मैंने यहाँ पर, डिफाइन। कॉन्स्टेंट नेम क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर, टेबल यूजर, टेबल यूजर। अब इसको मैं क्या सेव कर दूंगा मैं, यूजर्स, क्या सेव करती है मैंने इसके अंदर, यूजर्स। अब इसको यहाँ से कॉपी करूंगा, यहाँ पर आकर इसको मैं बस पेस्ट कर दूंगा। क्लियर है क्या, नहीं? यहां तो मुझे कॉन्कैटिनेशन करनी पड़ेगी। कॉन्कैटिनेशन ऐसी होती है, मैंने इसके क्वेश्चन मार्क ओपन किए, यहां पर क्लोज कर दिए, ठीक हो गया। फिर क्या आएगा, डॉट, फिर दोबारा क्या आएगा हमारे पास, डॉट आएगा, और फिर क्वेश्चन मार्क यहां से स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है। अब यहां पर सवाल था, मैंने ऐसा क्यों किया। अब सपोज करो मैंने टेबल नेम चेंज किया, मैंने
टेबल नेम चेंज, अब मैंने जहां जहां पर क्यूरी लगाई हुई होगी यूजर्स के नाम की, सब जगह चेंज करूंगा मैं, मुश्किल हो जाएगा ना। मैं डायरेक्ट कहां पर आऊंगा, वेरिएबल्स में आऊंगा, यहां पे अगर चेंज कर दिया सब जगह चेंज, ठीक हो गया। ये एक आसान तरीका है काम करने का, फास्ट तरीका ये वाला। अब क्या करेंगे यहां पर हम, सेट, सेट के बाद क्या आएगा, कॉलम नेम आएगा, और फिर क्या आएगा हमारे पास, बिल्कुल हमने यहां पर जो ईमेल है, यहां पर सबसे पहले चेक कर लूं मैं, स्ट्रक्चर में आते हैं इसके, यूजर नेम आएगा, यूजर नेम में हम क्या लिखेंगे, हम सिंगल क्वेश्चन मार्क कर्ली ब्रैकेट्स, उसके अंदर वेरिएबल कौन सा आएगा, यूजर नेम, ठीक हो गया। फिर कॉमा आएगा, कॉमा के बाद क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, बैक टिक, बैक टिक में क्या आएगा हमारे पास, ईमेल आ जाएगा, ईमेल इक्वल टू सिंगल क्वेश्चन मार्क और सिंगल क्वेश्चन मार्क में कर्ली ब्रैकेट्स। अच्छा जी, अब यहाँ पर इसमें वेरिएबल नेम कौन सा आएगा, ईमेल आएगा, अच्छा जी। अब जो है हमारे पास क्या रह गया है, कॉमा, पासवर्ड आ गया, बैक टेक्स, पासवर्ड से कॉपी किया ताकि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, इक्वल आके सिंगल क्वेश्चन मार्क कर्ली ब्रैकेट्स डॉलर पासवर्ड, ठीक हो गया। हमारे पास क्यूरी बन गई, अब क्यूरी का टेस्ट करें हम, कौन सा कर लो, चेंज कर लो, इसका इशू नहीं है, ये लो, ठीक है ना। अच्छा जी, अब मैं जरा इसको टेस्ट करूं, पहले मैं हैज बीन अपडेटेड, ये होगा ना, और यहां पर क्या आएगा हमारे पास, अपडेट क्यू, और इधर के लिखेंगे अपडेट एक्जी, लिखेंगे क्या लिखेंगे यहां पर हम, अपडेट एक्जी, इधर भी क्या लिखेंगे, अपडेट एक्जी लिखेंगे। अच्छा जी, उसके बाद क्या रहेगा हमारे पास, अपडेट क्यूरी, और यहां पर क्या आएगा हमारे पास, अपडेट क्यू। क्लियर है यहां तक, कोई प्रॉब्लम, कोई इशू? अब यहां पर जो है ना, सबसे पहले मैं इतने से कमेंट करता हूं मैं, और इसको भी कमेंट करता हूं मैं, अभी मैं क्यूरी को एग्जीक्यूट नहीं कर रहा, मैं क्यूरी को एग्जीक्यूट नहीं कर रहा भाई, मैं सिर्फ क्यूरी को यहाँ पे एको करता हूँ मैं, ताकि मैं देख सकूँ हमारी क्यूरी बनी किस तरह की है, ठीक हो गया। सेव करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, और इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं, तो हम सबमिट ऐसे करते हैं, यहाँ पर आगे भी ठीक है। अच्छा जी, कुछ अपडेट हुआ नहीं हुआ, दोबारा टेस्ट कर लेते हैं, यहाँ पर आते हैं हम, हाँ मैं देख रहा हूँ क्या होकर है इसके अंदर, यहाँ पर हम आ गए मेथड में आ गए, ठीक है, पोस्ट अपडेट, ये जाता किधर है, एसिटेट फॉर्म, हाँ गलती क्या हो रही है हमारे पास, आईडी है, मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एस डी एडिट फॉर्म, इसमें क्या सेव है, फॉर्म डेट डॉट पी एच पी, यानी कि सबमिट करता हूँ मैं, वो दोबारा इसी पेज में आया था, ठीक है ना, हाँ यहाँ पे ये लिखूँगा मैं, हम जाना कहाँ पर है, एक्शन फोल्डर में आना, और कहाँ पे आना है, फॉर्म एक्शन डॉट पी एच पी में आना है, अब ओके होगा, यहाँ पर आ गया वो, हमारी क्यूरी क्या बन रही है, अपडेट यूजर सेट यूजर नेम, ऐसे ऐसे यहाँ से कॉपी करते हैं हम, यहाँ पर आते हैं एसक्यूएल में आएंगे हम, यहाँ पर आके पेस्ट करेंगे, और क्या करेंगे यहाँ पर, गो करते हैं, ओके करो, हो गया यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर देखो होगा क्या, सारे के सारे डाटा क्या हो गए, चेंज हो गए, बिल्कुल। अब हमने यहाँ पर क्या लिखना था कि वेयर आई डी इज इक्वल टू, बैक टिक में आप आई डी आ जाएगी,
बैकटिक। यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, सिंगल क्वोटेशन मार्क और कर्ली ब्रैकेट्स, डॉलर यूजर आईडी, ठीक हो गया। यहाँ पर आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, ओके करते हैं, ठीक हो गया। यहाँ पर आता हूँ मैं, इसे यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पर आ गए एसक्यूएल में आ गए हम, यहाँ पेस्ट करते हैं। अब डाटा यहाँ पर थोड़ा बहुत चेंज कर देते हैं लाइक इस टाइप का, ठीक हो गया। इसे गो करते हैं, यहाँ पर आते हैं, सही डाटा चेंज हुआ। अब यानी कि क्यूरी के हमारे पास क्या है, ओके, यानी कि सब काम सटना है इसका। अब क्या करूँगा मैं, इस क्यूरी को यहाँ पर आकर एग्जीक्यूट कर दूंगा मैं और चेक करूँगा, क्लियर है। यहाँ पर आते हैं, कंट्रोल आर कंटिन्यू, डाटा इसमें अपडेटेड। दोबारा कहाँ पर आएगा फिर, वो हमारे पास होम पर आएगा। होम पे गया नहीं, क्यों नहीं गया, अभी हम चेक कर लेते हैं। अभी हम हमारे पास जो इंक्लूड है और हेल्पर में बना था ना फंक्शन, ये वाला, यहाँ पर जो है मैं क्या लिखूँगा, मैं हेडर, हेडर के बाद ठीक है, यहाँ पर ऐसा करता हूँ मैं एक फंक्शन बनाता हूँ। मैं क्या बनाऊँगा, मैं फंक्शन बनाते हैं किस नाम से, रीडायरेक्ट के नाम से। किस नाम से बनाया मैंने फंक्शन, रीडायरेक्ट के नाम से बना दिया। यहाँ पर भेज दूंगा रीडायरेक्ट यू आर एल, लिखा मैंने, क्या लिखा मैंने यहाँ पर, रीडायरेक्ट यू आर एल। इसके अंदर एक वेरिएबल आएगा, यू आर एल के नाम से लिख लो, जो समझ लिखो वो आपकी मर्जी है। हेडर, हेडर में हमारे पास क्या आएगा फिर, इधर लोकेशन डॉट यू आर एल। मुझे बार बार हेडर लिखना नहीं पड़ेगा, मुझे अब इतनी लंबी स्टेटमेंट मुझे बार बार लिखनी नहीं पड़ेगी। सिंपल से करूँगा मैं यहाँ पर रीडायरेक्ट यू आर एल, इसे कॉपी करूँगा मैं, यहाँ पर आऊँगा, इधर आके पेस्ट कर दूंगा मैं। और इसमें मैंने कहाँ पर आना, हमने होम पर आना, कहाँ पर आना, हमने होम पर आना। सेव करते हैं, यहाँ पर आते हैं, आजा भाई साहब, नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, अपडेट पे है ना, हो तो गया वैसे, हाँ ठीक है, क्या इशू आ रहा है इसका, हाँ गलती होगी ना, यहाँ पे नहीं लगाया मैंने क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मार्क, ये कॉलन साइन लगाया मैंने यहाँ पर। अब यहाँ पर आते हैं, कहाँ पर आया वो हमारे पास, एक्शन फोल्डर और क्लास 39 पर आ गया, इसका भी इशू नहीं है। होम है ना हमारे पास, हम इसके साथ ही ना क्या करेंगे, हम कॉन्केट कर देंगे, क्या कर देंगे, यहाँ पर कॉन्केट कर देंगे इस तरह करके, ठीक हो गया। अभी तो हाथों मैंने क्या किया, यहाँ पर सबमिट करते हैं। दोबारा कहाँ पर आ गया वो, होम पर आ गया। अपडेट के ऊपर क्लिक करता हूँ मैं, इसको चेंज करें थोड़ा बहुत हम, सबमिट के ऊपर क्लिक किया, कहाँ पर आ गया वो, यहाँ पर आ गया, चेंज हुआ डाटा, ये डाटा था ना हमारे पास, ठीक है ना। अब देखो मैंने यहाँ पर यू आर एल भेजा ना, मैंने कहाँ भेजा, मैंने यहाँ पर यू आर एल भेजा, ठीक है। मैंने कहा अभी एक मरतबा पीछे आओ, और राउट कौन सा आना है यहाँ पर, होम का आएगा, कौन सा आएगा यहाँ पर, होम का आएगा। बेसिकली हमारे पास जब सबमिट होता है फॉर्म, वो कहाँ पर आता है, एक्शन फॉर्म एक्शन डॉट पी एच पी के अंदर। हमारे पास होम का राउट कहाँ पर है, बाहर है ना, इससे एक्शन फोल्डर से बाहर है। मैंने इसे कहा भी एक मरतबा बाहर आओ और फाइल करने में आ गया, बस ये चीज़ हमारे पास कहाँ पर गई, फंक्शन में गई और यहाँ पर आकर सेट होगी, बस क्लियर है। अगर यहाँ पर मैं एक और फंक्शन बना जाता इसी तरह का, उस फंक्शन में क्या लिखूंगा मैं, रिफ्रेश, क्या लिखूंगा यहाँ पर मैं, रिफ्रेश यू आर एल, क्या लिखा मैंने यहाँ पर, रिफ्रेश यू आर एल। अब रिफ्रेश यहाँ पे लिखता हूँ, आर ई आर आर एस एच, रिफ्रेश आ गया। रिफ्रेश कितने सेकंड का करना है, ठीक है ना, यहाँ पे लेता हूँ मैं इंस्टा करके, सेकंड कॉमा यू आर, दो पैरामीटर भेज रहा हूँ मैं। अब बाय डिफॉल्ट सेकंड कितना रखूंगा मैं, टू, बाय डिफॉल्ट कितना रखा है मैंने यहाँ पर, 2 सेकंड रखा है मैंने। अब इसको यहाँ से कॉपी करके कहाँ लिखूंगा मैं, इधर लिखूंगा मैं,
फिर क्या लिखेंगे यहाँ पर? डॉट साइन, कॉन्कैटिनेशन और फिर क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क में लिखेंगे यू आर एल इक्वल टू डॉट, डॉट में क्या आएगा वहाँ पर वेरिएबल नेम। अगर आप लोगों को याद हो जो रिफ्रेश होता है किस तरह बनता है, हेडर, रिफ्रेश टू कॉमा, कॉमा के बाद क्या होता है हमारे पास यूआरएल, यूआरएल के बाद यहाँ पर आउट लिखते हो ना आप लोग, मिसाल के तौर पर होम लिख दिया, होम डॉट पीएचपी, ऐसे होता है ना कि नहीं, ऐसे होता है ना। अब मैंने यहाँ पर देखो जरा सेकंड वाले को मैंने यहाँ पर कर दिया वेरिएबल बना दिया ताकि अपनी मर्जी का मैं रिफ्रेश बना सकूँ मैं, ठीक हो गया कि वो इतने सेकंड बाद आकर रिफ्रेश हो जाए। उसके बाद जिस रिफ्रेश होने के बाद जिस यूआरएल में जाना वो भी यहाँ पर बता दिया मैंने, क्लियर है कि नहीं? यहाँ तो क्या प्रॉब्लम, ये खुद इम्प्लीमेंट करोगे ना आप लोग फिर आपको ज़्यादा ईजी लगेगा ये चीज़। अच्छा ये फंक्शन है हमारे पास क्या है, रिफ्रेश यूआरएल। यहाँ पर आते हैं इधर आगे, फर्स्ट पैरामीटर हमारे पास क्या था, सेकंड का था, मैं कहता हूँ अभी 3 सेकंड का हो जाए। फर्स्ट यूआरएल हमारे पास क्या था, सेकंड का था, और सेकंड हमारे पैरामीटर क्या था, यूआरएल। मैंने कहा भी 3 सेकंड का रिफ्रेश हो और कहाँ पर आ जाए उसके बाद होम पर आ जाए। सेव करते हैं, यहाँ पर आते हैं, ठीक है ना, मैं इसको अपडेट करता हूँ इधर, जो इसका यूज़र नेम है उसको चेंज करते हैं हम, सबमिट करते हैं, डाटा में अपडेट है, 3 सेकंड रुका और फिर वापस आ जा, वापस आ गया, ये लो जी, क्लियर हो गया चीज़ का, समझ में आ गया। अब जहाँ मुझे इतनी लंबी स्टेटमेंट लिखनी पड़ी थी उस वहाँ पर से 2 पैरामीटर पास करने मैंने, कौन सा, सेकंड का और यूआरएल का, क्लियर है। और ये फंक्शन कहाँ पर एग्जिस्ट करता है, हेल्पर डॉट पीएचपी के अंदर। अच्छा जी, अब जो है हमने अब तो क्या करना है, डिलीट करना है, क्या करना है हमने, डिलीट करना है। डिलीट का जो है ना आसान तरीका है, 2 तरीके डिलीट करने के, मुझे बताओ, एक है श्योरिटी के साथ, ये डिलीट करना होता है, डिलीट को मैं क्लिक करूंगा, मैं डिलीट को मैंने क्लिक किया वो डायरेक्ट उसको डिलीट कर देगा, ठीक है ना, डिलीट को मैंने क्लिक किया वो डायरेक्ट क्या कर देगा, उसको डिलीट कर देगा। सेकंड क्या होगा, जब मैं डिलीट को क्लिक करूंगा वो मांगेगा श्योरिटी, आर यू श्योर मांगेगा वो, क्या आपने वाकई में इसको डिलीट करना है क्या नहीं करना है। मैं दोनों मेथड करवाऊंगा अभी मैं, ठीक है ना। फर्स्ट मेथड हमारे पास छोटा है, फर्स्ट जो मेथड है ना यानी क्या, इसके ऊपर क्लिक करोगे वो डायरेक्टली क्या कर देगा, इसको डिलीट कर देगा। सबसे छोटा मेथड ये वाला, यहाँ पर देखो होगा क्या, हम कहाँ पर आएंगे, होम के ऊपर आगे, वैसे कर दो राउट नेम ही चेंज कर दो उसका, मैं क्लास 39 की जगह लिखता हूँ मैं इसको होम डॉट पी एच पी, ठीक हो गया। मैंने फाइल का नेम पर लिख दिया मैंने यहाँ पर होम डॉट पी एच पी। अब मैं कहाँ पर आऊँगा, इंक्लूड में आ गया, वेरिएबल्स में आ गया, होम की जगह क्या हो गया यहाँ पर, अब होम डॉट पी एच पी, क्लियर हो गया। अब जहाँ जहाँ पे कॉन्स्टेंट इस्तेमाल हुआ है वहाँ पर क्या आ जाएगा, होम डॉट पी एच पी आ जाएगा। यहाँ पर आते हैं, मेरे ख्याल से हमने जो है ना ऊपर भी इस्तेमाल किया हुआ है इसका, हेडर का इस्तेमाल किया, ओके मसला नहीं है, कॉपी करता हूँ मैं इसको, और जब वो यहाँ पर डाटा हैज बीन सेंटर कर दे, रिफ्रेश करने के बाद इसे शो कर दे बस, ठीक हो गया। अब हमारी फाइल का नेम यहाँ पर क्या है, होम डॉट पी एच पी, क्लियर हो गया। अच्छा जी, हेल्पर फंक्शन आप फारिग करो, उसको वेरिएबल को भी फारिग करो, यहाँ पर आए थे हम। अब सेम एटिस मैंने जो है ना अपनी वेरिएबल चाहिए मुझे, अभी इंक्लूड में आते हैं, वेरिएबल कहाँ से पकड़ते हैं, और यहाँ पे एक और राउट बनाएंगे, कौन सा राउट बनेगा यहाँ पर, कौन सा बनेगा, डिलीट का बनेगा, कौन सा बनेगा हमारे पास, डिलीट का बनेगा, ठीक हो गया। डिलीट वाले में भी हमने कहाँ पे आना है, इधर ही आना, कहाँ पर आना है हम लोगों ने, इधर ही आना है, इसके इधर हम बताता हूँ इधर क्यों आना हमने अभी, ठीक है। मैं यहाँ पे डिलीट एक्शन के नाम से बना दे रहा हूँ, किस नाम से बनाया मैंने, डिलीट एक्शन के नाम से, इसके भी रीज़न है,
थोड़ी देर तक आप लोगों को मालूम हो जाएगी। कॉपी करता हूँ मैं, यहाँ पर आता हूँ, इधर आके क्या करूँगा मैं, PHP, और हमारे राउट का नेम क्या है, एक्को डिटेक्शन। ठीक हो गया। अब डिलीट करने के लिए भी हमें क्या चाहिए होता है, डिलीट की जो क्वेरी होती है क्या चाहिए होता है, आईडी चाहिए होता है ना, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर आईडी इज इक्वल टू जो मर्जी हो। ठीक हो गया। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाऊंगा, आईडी भेजूंगा, ये इसी तरह करके लिखता हूँ ऐसा करके ना, इसे यहाँ से लेके यहाँ तक कॉपी करूँगा मैं और यहाँ पर आके मैं पेस्ट कर दूंगा, बस क्लियर हो गया। अब क्या करना है, हम यहाँ पर आएंगे, हम यहाँ पर ही भेजें ना, यहाँ देखो ज़रा एक्शन फोल्डर में आ गए और कहाँ पर आ गए हम, फॉर्म एक्शन डॉट PHP, यहाँ पर आते हैं हम। अब क्या करूँगा, यहाँ पर मैं लिखता हूँ इफ़, यहाँ पर एक कमांड लगाता हूँ डिलीट रिकॉर्ड, डिलीट रिकॉर्ड, इफ लिखूंगा इफ इज सेट, यहां पोस्ट का क्या लिखूंगा मैं, यहां पर गेट, क्या लिखूंगा यहां पर मैं, गेट, और गेट से क्या पकड़ना मैंने, आईडी को, क्या पकड़ना मैंने यहां पर, आईडी को पकड़ना मैंने। ठीक हो गया। अगर हमारे पास आईडी आती है उसे उठाए और कहां पर आकर सेव कर दे, यूजर आईडी, वेरिएबल नेम जो मुझे लिखो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, और फिर जो गेट है ये वाला, इसे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ मैं, बस क्लियर है। आईडी आ गया हमारे पास, क्वेरी क्या बनेगी हमारे पास, डॉलर डिलीट अंडरस्कोर क्यू, क्या लिखेंगे हम, डिलीट फ्रॉम, आगे क्या आएगा हमारे पास, कॉन्कैट करके टेबल, टेबल यूजर कॉन्कैट करके दोबारा हम क्या करेंगे, इस तरह करके लिखेंगे हम। ठीक हो गया। और फिर हमारे पास क्या आएगा, वेयर आईडी इक्वल टू, जैसे बैकटिक में लिखेंगे सिंगल क्वोटेशन मार्क कर्ली ब्रैकेट्स और फिर डॉलर यूजर आईडी, क्लियर है। अब क्या करेंगे, इसको एग्जीक्यूट करेंगे हम, एग्जीक्यूट में क्या करेंगे हम, डॉलर डिलीट अंडरस्कोर एग्जी, वेरिएबल नेम हम जो भी लिखो वो आपको पर डिपेंड करता है, लिंक क्यूरी और डिलीट क्यूरी। अब करेंगे हम इफ, जब हमारे पास क्या होगा, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो गया हमारे पास ये, फिर हमने क्या भेजना है यहाँ पर, जो फंक्शन का नेम था हमारे पास, हाँ जी, इसमें क्या भेजेंगे हम, डाटा हैज बीन डिलीटेड। ठीक हो गया। उसके बाद फिर रिफ्रेश यूआरएल, रिफ्रेश यूआरएल, ये चीज। ठीक हो गया। यहां से एक मतलब बाहर है और फिर 3 सेकंड, तो ऐसा करते हैं यहां पर 2 सेकंड रुकते हैं, 2 सेकंड रुके वो, उसके बाद वापस कहां पर आ जाएगा, वो होम पर आ जाएगा। एल्स में क्या करेंगे, अगर कोई एरर वगैरह आ जाए, ठीक है ना, हमने ऊपर भी लिखा है ये वाला, इसे कॉपी करेंगे हम, ठीक है। ज़्यादा बेस्ट ये है कि आप लोग ट्रैकर इस्तेमाल करो, वो ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है ना। क्यूरी यहाँ पे लिखेंगे हम, डिलीट क्यूरी, कॉन्कैट कर देंगे कौन से वेरिएबल, डिलीट क्यू वाला, और फिर ये चीज़। ठीक हो गया। सेव करते हैं, यहाँ पर आते हैं, रिफ्रेश करता हूँ मैं। अब मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, डाटा हैज़ बीन डिलीटेड, वापस आ गया, डाटा डिलीट हो गया वो वाला, ये देखो ज़रा, यहाँ पर आईडी नंबर क्या लिखी हुई है, 2, मैं 5 वाले को डिलीट करता हूँ, मैं कौन से वाले को, 5 वाले को, इसके ऊपर क्लिक किया मैंने, डाटा हैज़ बीन डिलीटेड, वापस आ जाएगा, चेक करते, डिलीट हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर बग्स क्या है, बग ये है कि गलती से मेरे यहाँ पर हाथ लग भी जाता है ना ऐसा करके, ये लो जी मेरी गलती से हाथ लग गया, ठीक है, वो डिलीट कर देगा। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर श्योरिटी का मैसेज शो करना है, जब वो यहाँ पर यस के ऊपर क्लिक करे तो फिर ही हमारे पास क्या होगा, वो डिलीट करेगा। ठीक
ठीक है, अब उसके लिए करना पड़ेगा हमें। यहां तक किसी को प्रॉब्लम, क्योंकि मैंने जो आगे काम करना ना उससे बहुत मजा आना है, ठीक है ना, क्योंकि वहां पर हमने जावास्क्रिप्ट भी इस्तेमाल करनी है और बूस्ट टाइप का मॉडल भी इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। है टाइम क्या हो रहा है अभी? 11:40 हो रहे हैं अभी। चलो ठीक है, 5 मिनट कर लो, 5 मिनट का थोड़ा बहुत दिमाग का सुकून कर लो, बर्फ लगा लो दिमाग पे, गर्म हो गए होंगे फिर दिमाग, ग्रीस लगा लो। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, मैं VS कोड में आता हूँ। अब कंफर्मेशन मैसेज करना है हमने, क्या करना है हमने यहाँ पर, कंफर्मेशन मैसेज वाला काम करना है। वेरिएबल्स में आता हूँ, यहाँ पे एक राउट बनाऊंगा, कौन सा वाला, डिलीट के नाम से, किसके नाम से, डिलीट के नाम से। और बाहर एक फाइल बनाऊंगा, किसके नाम से, फॉर्म डिलीट डॉट पी एच पी, फॉर्म डिलीट डॉट पी एच पी। वेरिएबल नेम क्या है हमारे पास, डिलीट। अब समझ में आया, यहाँ पर डिलीट एक्शन को लिखा है, यहाँ पर डिलीट को लिखा है। पहले वो यहाँ पर आएगा, यहाँ से श्योरिटी लेगा, फिर कहाँ पर आएगा हमारे पास, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक हो गया। कॉपी करूँगा मैं, यहाँ पर आता हूँ, उसकी जगह क्या लिखेंगे हम, ये लिख देंगे। आईडी इसी पेज पे भी जाएगी, आईडी होगी ना हमारे पास, इस पेज पे भी जाएगी। भेज दो, इशू नहीं है, नहीं भेजोगे उसका भी इशू नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज़, फॉर्म डिलीट डॉट पी एच पी, फॉर्म डिलीट डॉट पी एच पी जो हमारी फाइल का नेम था। एंटर करता हूँ मैं। अब यहाँ पर सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है, सबसे फर्स्ट चीज़, एक तो हेडर लगाना है यहाँ पर, और क्या यूज़ करना है इसके अंदर, फुटर यूज़ करना है, ठीक हो गया। अब जो है ना, यहाँ से कहानी शुरू होती है इस चीज़ की, जो समझने वाली है। अच्छा जी, यहाँ पर आते हैं हम, इसके इधर आ गए हम, ठीक है। हमने इसमें से अगर निकालना है बूटस्ट्रैप, बूटस्ट्रैप 5.3, और इसमें से हमने क्या निकालना है, मॉडल, क्या यूज़ करना है हमने इसमें से, मॉडल। मॉडल के बारे में जो है ना, हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था, किसके बटन को मैं क्लिक करता हूँ तो फिर वापस आगे शो होता है अलर्ट, ठीक हो गया। इसमें हमारे पास जो है, ये चलेगा वैसे, अच्छी चीज़ है ये चीज़, नहीं ये भी नहीं, नहीं इसे पकड़ते हैं हम, जिस वाले को, इस वाले को, नहीं ये नहीं, कहाँ गया स्टैटिक वाला, कहाँ गया। इसमें देख रहे हो क्लिक करने में भी गायब नहीं हो रहा, जब तक यहाँ पर क्रॉस के ऊपर क्लिक नहीं करेगा वो गायब नहीं होगा, हमने यहाँ पर सिर्फ क्रॉस वाली फंक्शनलिटी देनी ही नहीं है, ठीक हो गया। हमने यहाँ पर मॉडल शो कर देना है कि यहाँ पर यस नो करे, नो पे क्लिक करेगा तो वापस आ जाएगा, यस पे क्लिक कर डिलीट हो जाएगा रिकॉर्ड, ओके वो तो हो जाएगा क्लोज ही, मैंने उसको एडिट करना है, मैंने अभी हाँ हो जाएगा क्लोज, मॉडल गायब हो जाएगा ना, हमने यानी कि जब क्लोज के ऊपर क्लिक करेगा ना तो होम पेज पर आ जाएगा वापस, हमने ये काम करना है। और यस के ऊपर क्लिक करेगा रिकॉर्ड क्या हो जाएगा, वो डिलीट हो जाएगा। इस मॉडल को यहाँ से कॉपी करता हूँ मैं और यहाँ पर आके मैं इसको पेस्ट कर दूँगा, बस इतना सा काम करना था मैंने। लेकिन ये मसला क्या है, अभी यहाँ पर क्या, मैं रिफ्रेश भी करता हूँ, मैं डिलीट के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर अगर क्लिक करूँगा फिर शो होता है हमारे पास, ऐसे ही ना, यहाँ पे ये शो। अब जाहिर बात है यूज़र ने एक मरतबा क्लिक कर दिया, क्या दोबारा यहाँ पर क्लिक करेगा, नहीं ना, स्लो हो जाएगा। हमने क्या करना, जैसे इस पेज में आए मॉडल ऑटोमेटिकली शो, मॉडल ऑटोमेटिकली शो, उसके लिए क्या करेंगे हम, जावास्क्रिप्ट करेंगे, हम क्या करेंगे हम यहाँ पर लोग, जावास्क्रिप्ट करेंगे। इस बटन को ऐसे हम करेंगे अल्लाह हाफिज़। अब हमने सिंपल सा मॉडल इस्तेमाल करना है, ठीक हो गया। मॉडल में क्या लगा हुई, आईडी लगी हुई है, ठीक है,
हमने इस चीज को इस्तेमाल करना है। जो भी यहाँ पर स्क्रिप्टिंग फाइल होगी यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। अब मैं ऐसा करता हूँ एक प्रॉपर तरीके से, अगर आपको मैं तो ठीक है, ऐसा करते हैं पहले यहाँ पर लिख लेते हैं, इधर लिख लेते हैं स्क्रिप्ट फाइल लिखी यहाँ पर, स्क्रिप्ट टैग लिखा हमने यहाँ पर, हाँ जी 80RIPT स्क्रिप्ट टैग लगाया हमने यहाँ पर, ठीक हो गया। जो भी बूस्ट टाइप के लिंक्स होंगे यहाँ मौजूद होंगे इसके अंदर, ठीक है ना। पहले बूस्ट टाइप के लिंक्स आ गए और फिर हमारे पास स्क्रिप्ट टैग आ गया, ठीक हो गया। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले एक वेरिएबल बनाऊंगा। वेरिएबल बनाने से पहले चेक कर लेते हैं हम इसकी डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि मुझे तो पता है कैसे करना है लेकिन आप लोगों को नहीं पता कि पढ़ना कैसे इसके अंदर हमने, वो भी बता दो क्या करना है उसके लिए भी क्या सीन है। अच्छा यहाँ पे देखो ज़रा, ये कुछ कोड लिखा हुआ है इसका जावास्क्रिप्ट का, लेकिन हमें इसमें से इस्तेमाल नहीं करना। वैसे बता रहा हूँ कि उन्होंने जो मॉडल है उसकी आईडी को कैच किया और चेक किया कि अगर वो आईडी एग्जिस्ट है तो फिर क्या करेंगे, उसके पे एक इवेंट लिस्ट लगेगा, कौन सा वाला, शॉर्ट डॉट बी एस डॉट मॉडल, ठीक है। उसके पर इवेंट आ गया, इवेंट के ऊपर हमारे पास क्या लगा, बटन बटन डॉट रेड टारगेट, यानी कि वो क्या कर रहा है, एक डिफ बनी हुई खाली, उस डिफ के अंदर मॉडल क्रिएट कर रहा है। डिफ के अंदर क्या क्रिएट कर रहा है, वो मॉडल क्रिएट कर रहा है। यहाँ पर देख रहे हो सारे सारे मॉडल क्रिएट कर रहा है, न्यू मैसेज के साथ, मॉडल बॉडी के साथ, मॉडल टाइटल के साथ, ठीक हो गया। हमने क्या करना है, मॉडल को शो करना है। क्या करना है, हमने इसको मॉडल शो करना है। यहाँ पर भी लिखा जाएगा एक चीज, ये सी एस एस आ गया इसकी, यहाँ पर आते हैं हाउ इट वर्क्स में आते ज़रा, ठीक है। अच्छा जी नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं, हमें फोकस की जरूरत नहीं है, मॉडल कॉन्स्ट ऑप्शंस में आते हैं इसके। ये देखो जरा, यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है कि बूटस्ट्रैप इस्तेमाल करने के लिए, अगर आपने लोगों ने ना जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल करनी बूटस्ट्रैप की, तो उसके लिए उन्होंने क्या कहा है, न्यू कीवर्ड बूटस्ट्रैप डॉट मॉडल, और उसमें आप लोगों ने क्या सेट करना है, जो आप लोगों का मॉडल है, जो आप लोगों का मॉडल है, फिर उसके बाद क्या करोगे, इसके अल्टरनेटिव ये है, हमने बेसिकली क्या करना है, उसको शो करना है। क्या करना है, हमने शो करना है, हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया। अब शो करने के लिए कमांड होती है डॉट शो, जो फंक्शन होता है ना वो क्या होता है, डॉट शो। यहाँ पर मैं भी अगर मैं सर्च करूँ, मैं शो यहाँ पर आ गया, देखो येरा, ये इसके क्या लिखे, मैथड लिखे हुए, क्या लिखे हुए इसके, डिस्पोज गेट इंस्टेंस, गेट और क्रिएट इंस्टेंस, हैंडल अपडेट, हाइड, शो, टूगल। टोगल में क्या होगा, बटन पर क्लिक करोगे हाइड हो जाएगा, दोबारा क्लिक करोगे तो फिर क्या हो जाएगा, वो शो हो जाएगा। हमने क्या करना है, यहाँ पर शो इस्तेमाल करना है। कैसे इस्तेमाल करोगे, ये देख रहे हो एक वेरिएबल बनाया हुआ है, उसमें आईडी आ गई और फिर मॉडल डॉट शो आ गया, क्लियर हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ पर जो है इतने ऐसे होकर कॉपी करूँगा मैं, यहाँ से लेके यहाँ तक कॉपी किया मैंने, यहाँ पर लेकर आ गया। अभी आप लोगों को बताता हूँ हो क्या रहा है इसके अंदर, लंबी गेम चल रही है इसके अंदर। और हमारे पास जो यहाँ पर लिखा ना माय मॉडल, ये वेरिएबल बना हुआ ना, ये वेरिएबल कौन सा, ये वाला कॉपी करूँगा मैं यहाँ पर, आगे उसको पेस्ट कर दूँगा बस, ठीक है ना। इसमें चाहे कीबोर्ड फॉल्स करना लिखा हो, खैर है, इसे रिमूव भी कर दोगे चलेगा, बल्कि दौड़ेगा हमारे लिए, ख़त्म कर दिया। अब हमारे पास जो है इधर क्या लिखा हुआ, माय मॉडल, ठीक है। हमारे मॉडल का नेम क्या है, यहाँ पर हमारे मॉडल का नेम है स्टैटिक बैकड्रॉप, इसे कॉपी करूँगा मैं यहाँ पे लिख दूंगा मैं, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या होगा, मॉडल टूगल, मॉडल टूगल, यहाँ पर हमारे पास क्या आएगी, वही आईडी आएगी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, या फिर क्या लिखोगे यहाँ पर, क्यूरी
क्यूरी सिलेक्टर, ठीक हो? यहाँ पे लिखोगे आप हैशटैग, क्लियर है? अब यहाँ पे देखो जरा हो क्या हुआ क्या। सबसे पहले मैंने बताया उसको कि ये मॉडल है, इधर का बताया मैंने बूटस्ट्रैप को, ये मॉडल है, और फिर मैंने अपने मॉडल का स्टार्टर बनाया। बूटस्ट्रैप को सबसे पहले क्या बताया, ये मॉडल है, और फिर मैंने क्या बनाया, अपने मॉडल का एक सिलेक्टर बनाया। फिर क्या कहा मैंने, मैंने कहा भाई बूटस्ट्रैप वालों का कि इस वाले मॉडल को क्या करो आप, शो कर दो। इस मॉडल को क्या कर दो आप लोग, शो कर दो। चेक करें हम, सेव करते हैं, यहाँ पर आते हैं और एक मतलब रिफ्रेश करते हैं, देख रहे हो? अब रिफ्रेश करने पे क्या आ रहा है हमारे पास, मॉडल शो हो रहा है। कहानी समझ में आई कि क्या थी इसकी कहानी, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सिंपल सा काम किया है हमने, यहाँ पे क्या वेरिएबल बनाया, माय मॉडल, यानी कि कह लो बूटस्ट्रैप को हमने यहाँ पर वो कर दिया। मैं यहाँ पे कहता हूँ अभी बूटस्ट्रैप, ठीक है ना, बूटस्ट्रैप मॉडल एक्टिव, क्या लिखा मैंने यहाँ पर, बूटस्ट्रैप मॉडल एक्टिव। यहाँ पे देखो मैंने वेरिएबल नेम कैसा लिखा है, कौन से केस में लिखा है, ये कैमल केस में लिखा है। कैमल केस में क्या होता है, फर्स्ट वर्ड फर्स्ट लेटर स्मॉल, सेकंड वर्ड फर्स्ट लेटर कैपिटल आता है, ठीक हो गया? मैंने उससे कहा भाई कि पहले बूटस्ट्रैप का मॉडल यहाँ पर मैंने एक्टिवेट किया, एक्टिवेट करने के बाद कहा उसको यहाँ पर क्या बनाया हमने, अपना मॉडल, जो हमारा मॉडल अभी एचटीएमएल फाइल के अंदर मौजूद है। फिर उसको बताया बूटस्ट्रैप वाले को, बूटस्ट्रैप वाले को कहा भाई कि आप जो हमारा फंक्शन इस्तेमाल करो शो, और कौन सा मॉडल शो करना है, हमारा वाला, कौन सा मॉडल शो करना है हमने, हमारा वाला, क्या ये रहा स्टैटिक ड्रॉप, ये रहा आईडी से कैच किया हमने, ठीक हो गया? पहले हमने क्या कहा बूटस्ट्रैप वाले को, ये वाला मॉडल आप लोगों ने एक्टिव करना है, क्या करना है, एक्टिव करना है। फिर उसके बाद मैंने अपना मॉडल का स्ट्रक्चर बनाया, अपने मॉडल का मैंने क्या बनाया, स्ट्रक्चर बनाया। यहाँ पर लिखते माय मॉडल, लिखते यहाँ पर क्या लिखा मैंने, यहाँ पर माय मॉडल। अब इस चीज़ को ऐसे कॉपी करता हूँ मैं और यहाँ पर के पेस्ट कर दूंगा मैं। फिर उसके बाद मैंने क्या कहा अभी बूटस्ट्रैप वालों को कि भाई आप अपना फंक्शन कौन सा इस्तेमाल करो, शो वाला, और मेरा जी वाला मॉडल क्या कर दो, शो कर दो। बस सेव करूंगा मैं इसको, यहाँ पर आते हैं हम, इधर के रिफ्रेश करूंगा, ओके हो गया। यहाँ पर क्लिक करेगा वो क्रॉस भी नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पर क्लिक करेगा तो क्रॉस करेगा, हमने ऐसा होने नहीं देना, हमने क्रॉस ही ख़त्म कर देना फिर, ठीक हो गया? मॉडल में आएंगे हम, यहाँ पर क्रॉस वाला हमारे पास बना हुआ है, ये रहा बटन क्रॉस, कमेंट कर दो उसको, ये लो जी, कुछ भी नहीं कर सकता वो, लेकिन अभी क्लोज पे क्लिक करेगा तभी वो क्लोज कर सकता है इसको, देख रहे हो? ठीक हो गया, वहाँ पर हम लिखेंगे अभी कुछ, यहाँ पर लिखे ना बटन, ये लिखा बटन डाटा बी एस डिसमिस मॉडल, यहाँ से ख़त्म करो, और यहाँ से मैं क्या करूँगा अभी, इधर लिख देता हूँ कैंसिल, क्या लिखा मैंने यहाँ पर, कैंसिल लिख दिया मैंने, ठीक है ना? यहाँ पर लिख दो, नो लिख दो, चलो कैंसिल लिख दो, यार जैसे मुझे लिख लो, दोनों लिख देते यहाँ पर लो, ठीक हो गया? अब यहाँ पर जो है ये बटन बना हुआ ना, मॉडल दे दो, ऐसा करते हैं दोनों चीज़ों को ऐसा कट करता हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पर आता हूँ मैं, ठीक हो गया? अब मैंने क्या करना है, यहाँ बनाना फॉर्म, क्या बनाऊँगा यहाँ पर मैं, फॉर्म टैग बनाऊँगा। अब फॉर्म टैग क्यों बना रहे हैं और अब यहाँ पर, ताकि मैं आईडी भेजूँ वहाँ पर फॉर्म एक्शन के अंदर, और आईडी के थ्रू मैं डाटा को डिलीट कर दूँ, ठीक हो गया? इनपुट टैग बनेगा, इनपुट टैग में आ गया हम यहाँ पर, नेम एट्रीब्यूट का लगेंगे यहाँ पर हम, यूज़र आईडी, और वैल्यू में क्या प्रिंट करेंगे हम, आईडी। आईडी कहाँ से आएगी, यहाँ पर देख रहे हो, मैं यूआरएल के अंदर भेज रहा हूँ, आईडी भेज रहा हूँ ना मैं, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, पीएचपी टैग, पीएचपी टैग यहाँ पर कर दिया मैंने, क्लोज कर दिया, एको करूँगा, एको क्या करूँगा मैं यहाँ पर, डॉलर अंडरस्कोर गेट, और फिर यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने, आईडी, ठीक हो गया? सेव करते हैं, यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं, आ गया यहाँ पर आईडी है। अब आईडी अपना यूज़र को दिखानी नहीं होती, आईडी हमने यूज़र को दिखानी नहीं होती, सिंपल से इसको क्या करेंगे यहाँ पर,
हिडन कर देंगे। क्या कर देंगे यहाँ पर हम इसको? हिडन नहीं, इनपुट टैग है ना यहाँ पर, इनपुट टैग हम शो नहीं करते, हिडन हो गया। लिखा लिखा है वहाँ पर, इनपुट टैग वहाँ मौजूद है लेकिन उसका टाइप कर दिया हमने, हिडन कर दिया, यूजर को शो नहीं होगा। और मॉडल टाइटल लिखा हुआ है यहाँ पे, आगे लिखेंगे हम डिलीट यूजर, ठीक हो गया, क्लियर है। अब दो बटन है क्या हमारे पास? क्या हुआ? दो बटन शो करने, एक कौन सा बटन आएगा? नो का, और एक हमारे पास कौन सा आएगा? यस का, ठीक हो गया। जब मैं यहाँ पर नो के पे कैंसिल के ऊपर क्लिक करूंगा वो कहाँ पर आएगा फिर? कहाँ पर आ जाएगा? होम पर आ जाएगा ना। मैं बटन को ऐसे खत्म करके लिख देता हूँ, नहीं एंकर टैग, क्या बना दूंगा फिर मैं? एंकर टैग बना दूंगा। एंकर टैग में क्या लिखूंगा? एच आर ई एफ। क्या लिखूंगा फिर मैं? एच आर ई एफ। और उसके अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा? पी एच पी एको वेरिएबल नेम हमारे पास क्या था? राउट का होम था, क्या था? होम था। सेव करते हैं यहाँ पे, एक मतलब रिफ्रेश करता हूँ मैं। अब इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, कहाँ पर आ गए हम? होम पर आ गए। इसके ऊपर क्लिक करूँगा, मॉडल आ गया। अब यहाँ पर लिखेंगे आप अंडरस्कोर की जगह यस, क्या लिखेंगे यहाँ पर हम? यस। अच्छा जी, अब यस वाले को मैंने क्या करना है यहाँ पर? इनपुट टाइप बनाएंगे हम, ठीक हो गया। और उसकी टाइप क्या लिखेंगे हम? सबमिट। और नेम का लिखूंगा यहाँ पर मैं डिलीट। क्या लिखा मैंने यहाँ पर? डिलीट लिख दिया मैंने। यहाँ तक की प्रॉब्लम, कोई इशू? ऑल क्लियर है? सबको क्लियर है यहाँ तक? पीछे वाले पीछे बैठे हैं सारे, यहाँ तक सबको क्लियर है? ठीक है, अभी आपको खामोशी समझा रही है मुझे, सबको क्लियर है। अच्छा जी, हमने यहाँ पर करना है, यहाँ पर देखो यस बाहर लिखा आ रहा है, बटन में नहीं लिखा आ रहा है, तो उसके लिए क्या करोगे? यहाँ पर वैल्यू एट्रीब्यूट, ठीक हो गया। और यहाँ पर क्या लिखोगे आप लोग? यस लिख दोगे। ये बकरी ड्रामा कोई नहीं। अच्छा जी, अब यस के ऊपर क्लिक करूंगा वो कहाँ पर आएगा? फॉर्म एक्शन डॉट पी एच पी के अंदर आ जाएगा। कहाँ पर आ जाएगा वो? फॉर्म एक्शन डॉट पी एच पी में आएगा। यहाँ पर आते हैं हम, किधर आ गए भी? फॉर्म का बना ये रहा, ये रहा। अब यहाँ पर हमने क्या क्यों करना है? पी एच पी हमने एक राउट बनाया था, कौन सा वाला? वेरिएबल्स में आते हैं, डिलीट एक्शन के नाम से। इसे कॉपी करूँगा मैं, इसके राउट में का सेव है, एक्शन फोल्डर में गए, फॉर्म एक्शन डॉट पी एच पी। यहाँ पर आते हैं, इधर इधर आना हमने, यहाँ पर किसे क्या कर दूंगा मैं? एको कर दूंगा मैं, ठीक हो गया। अब क्या करना है हमने? फॉर्म एक्शन में आएंगे हम, यहाँ पर गेट लिखा हुआ था ना, अब गेट में क्या लिख, गेट की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास? पोस्ट आ जाएगा। और यहाँ पर लिखेंगे हम डिलीट, अगर रिक्वेस्ट कौन सी होगी? लीड की होगी। मैं ऐसे करता हूँ, इसको यहाँ पर लिख रहे हैं तो ताकि आप लोगों को मालूम हो जाए, अगर आप इस शॉर्टकट तरीका इस्तेमाल करोगे तो ये लिखोगे, अगर पोस्ट वाला इस्तेमाल करोगे तो फिर दूसरा तरीका इस्तेमाल करोगे। इतने ऐसे होकर क्या कर दूंगा मैं? कमेंट कर दूंगा मैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है यहाँ पर? इफ इज सेट पोस्ट, ठीक हो गया। और यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास? डिलीट आ जाएगा। इधर भी क्या आ जाएगा हमारे पास? डिलीट आ जाएगा। अगर रिक्वेस्ट कौन सी होगी? डिलीट की होगी, देन उसमें से क्या निकालेगा वो? यूजर आईडी निकालेगा, जो कि किस फॉर्मेट में आ रही है हमारे पास? फिल्टर डाटा, हमारे पास जो फंक्शन बनाता कहाँ गया, ठीक है ना, हमारे पास ये एट्रीब्यूट है ना, ऐसे कॉपी करूंगा मैं, यहाँ पर आके इसको पेस्ट करते हैं, क्लियर हो गया। उसके बाद सारे का सारी कहानी वही है, कौन सी वाली? ये वाली, यहाँ से लेके यहाँ पर हम है, कॉपी करूंगा मैं और फिर यहाँ पर आके पेस्ट कर दूंगा। अब इतने ऐसे को क्या कर दूंगा मैं? अनकमेंट कर दूंगा मैं, क्लियर है।
यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, ऐसे करो वेरिएबल है, मैं इसे कॉपी करता हूँ यहाँ पे, पेस्ट कर देता हूँ बस। क्लियर है, यूजर आईडी है हमारे पास आई, यहाँ पे आके सेव हुई, क्यूरी में सेट कर दी मैंने, क्यूरी को एग्जीक्यूट किया, अगर क्यूरी एग्जीक्यूट हो जाती है देन मैसेज क्या शो होगा हमारे पास, डाटा हैज़ बिन डिलीटेड, और फिर रिडायरेक्ट हो जाएगा कितने सेकंड के बाद, 2 सेकंड के बाद होम पर, बस इतना सा काम था। सेव करते हैं, यहाँ पर आकर रिफ्रेश करता हूँ मैं, या इसके ऊपर क्लिक करते हैं, डाटा हैज़ बिन डिलीटेड, वापस आ गया, आ गया भाई। क्लियर है, अब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, मैं यहाँ पर आ गया डिलीट यूज़र के ऊपर, नो के ऊपर क्लिक करेगा वापस आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, कोई इशू? अब आप लोगों का ये क्रूड जो था ना पूरा ख़त्म हो गया, क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट। कल से जो ना हम काम करेंगे प्रोजेक्ट्स के ऊपर, किसके ऊपर? प्रोजेक्ट्स के ऊपर। प्रोजेक्ट्स कौन से होंगे? एक होगा ऑथेंटिकेशन मेथड यानी कि लॉगिन साइनअप वगैरह, ठीक हो गया, और उसके बाद आप लोगों का एक टू डू ऐप है, मिसाल के तौर पर अगर किसी बंदे ने लॉगिन किया सिर्फ उसी के टास्क शो होंगे, अगर मैं लॉगिन करूँगा सिर्फ मेरे टास्क शो होंगे, ठीक हो गया। ये वाला काम फिर आप लोगों ने खुद से एक प्रोजेक्ट बनाना है, वो आपको दूंगा मैं प्रोजेक्ट, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें स्टूडेंट लॉगिन करेगा, साइनअप करेगा, अपना कोर्स स्टार्ट करेगा, उसे कोर्स शो करना अपने स्टूडेंट नेम के साथ, ठीक हो गया। फिर उसके बाद आप लोगों ने जो आपका प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट कह रहा हूँ मैं, फिर शुरू हो जाएगी पी एच पी ऊप्स के साथ कुछ प्रोजेक्ट है, फिर लारावेल आ जाएगी, फिर कोर्स खत्म। आज के वेडनेसडे के प्रोजेक्ट शुरू होंगे इसके, लॉगिन साइनअप वगैरह, लॉगिन साइनअप में मेरे ख्याल से 2 दिन लग जाएंगे, मैं 1 दिन में भी करा सकता हूँ अगर आप लोग कंपेटिबिलिटी दिखाओ। अच्छा जी जनाब, अच्छा यहाँ पे देखो ज़रा, यहाँ बस एक चीज़ की कमी है, यहाँ पे देख रहे हो यहाँ कहाँ पे क्या शो हो रहा है, 6 7 8, हालांकि यहाँ पे क्या शो होना चाहिए था, 1 2 3, उसके लिए क्या करेंगे हम, मैं आऊँगा यहाँ पर फॉर्म होम पर आऊँगा, होम पर आ गए हम, होम पे क्या करेंगे हम, वाइल लूप से पहले एक वेरिएबल सेट करूँगा अकाउंट के नाम से, किसके नाम से, काउंट के नाम से, जिसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। अब इस काउंट को मैंने क्या करना है, ऐसे कॉपी करूँगा और यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट कर दूँगा, एको कर दूँगा, ठीक हो गया। अब जहाँ पर वाइल लूप ख़त्म हो रहा है, जहाँ पर वाइल लूप ख़त्म हो रहा है वहाँ पर आके क्या करूँगा मैं इसको प्लस प्लस कर दूँगा, बस सेव करता हूँ मैं, यहाँ पर आता हूँ रिफ्रेश करता हूँ, चलो जी क्लियर है, समझ में आ गया। अब यहाँ का फुल फ्लैच एक अच्छा किस्म का प्रोजेक्ट बन गया है, आपको पता है कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है, लेकिन ठीक है वो बाद में पढ़ेंगे जब लॉगिन साइनअप करेंगे ना, लॉगिन साइनअप बताऊँगा किसका करना है, यहाँ का नेव बार का डायनेमिक कैसे बनाना। अब यहाँ पर देख रहे हो इस प्रोजेक्ट से आप क्या सीख रहे हो, आप लोगों को पता है राउट्स कैसे बनाने हैं, फंक्शन कैसे बनाने हैं, क्यूरीज कैसे हैंडल करनी है, टेबल कैसे हैंडल करना है, यूज़र डाटा कैसे हैंडल करना है, डिलीट कैसे करना है, अपडेट कैसे करना है। अब जैसे कि हमने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया, ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे कोई टेबल नेम चेंज करना होगा यहाँ पर आके टेबल नेम, ठीक हो गया, राउट चेंज करना होगा यहाँ पर चेंज करूँगा हर जगह चेंज हो जाएगा, डिलीट का चेंज करूँगा यहाँ पर चेंज करूँगा हर जगह चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। अब मुझे फाइल में जा जा कर चेंज नहीं करना पड़ेगा, एक ही फाइल बनी हुई है वहाँ पर आकर चेंज करूँगा, ख़त्म काम, ओके है काम, क्लियर है। फंक्शन बने हुए पड़े हुए हैं, फंक्शन में आपने और बनाने होंगे, कहाँ पर आप लोग आओगे, हेल्पर में आओगे, कहाँ पर आओगे आप लोग, इंक्लूड में आओगे, और कहाँ पर आओगे, हेल्पर में आओगे। चलो जी रिडायरेक्ट का बना हुआ है, मुझे बार बार लिखना नहीं पड़ेगा सेव करके, वैसे यूआर लिखोगे ऑटोमेटिकली काम। रिफ्रेश का भी बना हुआ है हमारे पास, सक्सेस मैसेज का भी बना हुआ है, एरर मैसेज का भी बना हुआ है, फेल्ड डाटा का भी बना हुआ है, प्री का भी बना हुआ है, अब माई प्रिंट का भी बना हुआ है, और चेक का भी नहीं बना हुआ है, ठीक हो गया। हमने जो कॉमन फंक्शंस होते हैं जो हर जगह इस्तेमाल हो रहे हैं, ऐसे प्रोसेस जो हर जगह इस्तेमाल हो रहे हैं, आप उसका एक फंक्शन बना कर रख लो, उसका क्या बना कर रखोगे आप लोग, फंक्शन बना के, ताकि आप उसका जितना लंबा कोड लिखना है वो श्रिंक हो जाए। क्लियर है क्या नहीं? अब आप लोगों ने ऐसे ही काम करना है, चाहे स्ट्रक्चर ऐसा फॉलो ना करो, जैसा आपको सूटेबल करे वैसे करो आप लोग का, ठीक है। लेकिन क्लाइंट का क्या काम होता है, क्लाइंट ने बस इंटरफेस देखना है, अंदर क्या गंद बना लिखा है उसमें वो नहीं देखना है, ठीक है, उसमें बस काम चाहिए। लेकिन काम ऐसा भी नहीं करना कि अगला डेवलपर देखे सर पकड़ के बैठ जाए कह रहा किए क्या इसने यहाँ पर, ठीक है ना। तो
तो काम को आप सलीके से करना है, तसल्ली से करना है और सुकून से करना है, मजा आएगा काम करने पे। ठीक हो गया? अच्छा जनाब,